अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे टर्बुलेरियंस का नर्वस सिस्टम और उनके अंदर पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन्स को हम देखेंगे। तो टर्बुलेरियंस का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो जो सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम है वो हमें ऑर्डर ए सीला में मिलता है। ये हमारे पास ऑर्डर ए सीला है और इसके मेम्बर के अंदर का ये जो नर्वस सिस्टम है उन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर जो स्पीशी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कन्वोल्यूटा स्पीशी है और इसके अंदर एपिडर्मिस के नीचे न्यूरॉन्स का एक नेट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं नर्व प्लेक्सस, ठीक है। ये नर्व प्लेक्सस जो है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स और ये एपिडर्मिस के नीचे है, इसलिए हम से कह रहे हैं कि दिस इज सब एपिडर्मल, ठीक है। ये बिल्कुल नाइडेरियंस के नर्व नेट से मिलता जुलता है और अगर हम इसके नर्व प्लेक्सस को देखें गौर से तो इसके टॉप पे एंटीरियर पोजिशन के ऊपर एक स्टैटोसिस्ट मौजूद है जो कि एक मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर काम करेगा और ये प्रेशर रिसेप्टर को प्रेशर को डिटेक्ट करेगा और ये देखेगा कि एनिमल की बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी जो है वो किस पोजीशन में है, यानी कि एनिमल की जो बॉडी की पोजीशन है उसको डिटेक्ट करेगा कि ग्रेविटी के लिहाज से ये डाउन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या है, ठीक है। उस हिसाब से इसकी बॉडी की पोजिशन को मेनटेन करेगा ये, ठीक है। कुछ ऐसे भी हमारे पास टर्बुलेरियंस हैं जिनका नर्वस सिस्टम ज़रा इस एसीला की निस्बत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ज़्यादा बेहतर नर्वस सिस्टम उनके अंदर मौजूद है क्योंकि उनके पास गैंगलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पोलीक्लैडिडा और ट्राइक्लैडिडा में नज़र आ रहा है कि इनके पास सेरिब्रल गैंगलिया मौजूद है और इसको ब्रेन भी लिखा हुआ है उन्होंने, इनका ये इसको कहते हैं सिंपल ब्रेन, इनके अंदर ये मौजूद होता है। सेरिब्रल गैंगलिया को सिंपल ब्रेन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो दूसरे टर्बुलेरियंस हैं जैसे कि ड्यूजीसिया जो है वो ट्राइक्लैडिडा के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सब एपिडर्मल नर्व नेट मौजूद है जिस तरह आपने पहले उसके अंदर देखा था और इसके अलावा इसके पास लेटरल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इसी पिक्चर को हम देखें बड़ा करके तो फिर हमें पता चलेगा। इसके अंदर अगर आप नर्व कॉर्ड्स देखें ना तो ये एक ये नर्व कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो रस्सी से मिलता जुलता है। तो ये नर्व्स की बनी हुई रस्सी है, इसको नर्व कॉर्ड कहेंगे और ये चूंकि लंबाई के रूप की नर्व कॉर्ड है इसलिए हम इसे लेटरल नर्व कॉर्ड कहेंगे। इसके अंदर दो जो है सॉरी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कहेंगे, एक ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड है और एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड ये है और इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स को आपस में कनेक्ट करती हैं ये लेटरल नर्व कॉर्ड्स जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है जो कि लेटरल है और ये दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं और इन लेटरल नर्व कॉर्ड्स जो आपस में इनको कनेक्ट करती हैं इन्हें कहते हैं कमिशर्स, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये नर्व कॉर्ड्स को चूंकि कनेक्ट करते हैं इसलिए इनको कमिशर्स कहते हैं, ठीक है। नर्व कॉर्ड्स जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं और इनके जो कमिशर्स हैं ओवरऑल इसकी वजह से हमें एक लैडर की तरह की अपीयरेंस नज़र आती है, एक सीढ़ी नुमा अपीयरेंस नज़र आती है कि जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं जिसके जरिए से। उसके बाद न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, इनके अंदर न्यूरॉन्स किस किस तरह के, तो इनके अंदर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर भी होती हैं और एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ये वो न्यूरॉन्स होती हैं जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे पास इनकी ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं। किसको कनेक्ट करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स को और सेंसरी न्यूरॉन्स को। और जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो ब्रेन से अवे मैसेज लेके जाती हैं, ठीक है ना। तो जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होती हैं वो ब्रेन में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती हैं जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती हैं और मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो मैसेज ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी तक जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास अगर हम इनके अंदर गैंगलिया की बात करें तो गैंगलिया आपको पता है कि जो कलेक्शन ऑफ जो न्यूरॉन्स होती है उनकी जो सेल बॉडीज इकट्ठे जब हो जाती हैं तो वो गैंगलिया बनाती हैं। तो हमारे पास एक पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंगलिया जो है इनके अंदर मौजूद है। इसके अंदर यहाँ पर दो सेरिब्रल गैंगलिया होते हैं इकट्ठे हुए होते हैं और वो मिलकर ब्रेन बना रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये सेरिब्रल गैंगलिया दो सेरिब्रल गैंगलिया के आपस में फ्यूज होने से ये इनका ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इनकी सेंसरी रिसेप्शन को हम देख लेते हैं कि किस तरह ये इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं। इनके अंदर यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स की आपने हेडिंग डाली है और इसमें आगे से सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि ये मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं यानी कि जो टच को रिस्पॉन्ड करते हैं और सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि टच वगैरह, वाटर करंट्स को, पानी की करंट्स को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनके पास ऑरिकल्स भी होते हैं।
अब इनके पास ये ऑरिकल होता है, ऑरिकल ये जो है ये राउंड सा स्ट्रक्चर है, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर है जो ट्राइग्लेटिडा में आपको नजर आ रहा है इसको हम ऑरिकल कहते हैं। इस ऑरिकल के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में सेंसरी कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और इन कीमो रिसेप्टर्स की मदद से ये अपने फूड को तलाश कर सकता है। इसके अलावा इनके पास आई स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑसिलाई। आई स्पॉट्स जो हैं वो आपको कहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जो इसकी आपको आंखें सी नजर बनी हुई नजर आ रही है, तो ये एक सही लेंस वाली आंखें नहीं है, यानी कि इसके अंदर इनकी आंखों में लेंस नहीं होता, ये सिंपल आई स्पॉट्स होते हैं और इनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है। ठीक है, और ये इन आई स्पॉट्स का नाम जो है इनका नाम है ऑसिलाए, और दोनों को हम मिला के ऑसिलाए कहते हैं। अगर हम सिंगल की बात करें तो उसे ऑसिलस कहते हैं। इनसे ये फोटो इसके अंदर इनके अंदर जो होते हैं फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इसको लाइट की तरफ या लाइट के डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी टर्बुलेरियंस हैं जो कि नेगेटिव फोटोटेक्टिक हैं, यानी कि वो लाइट से अवे मूव करते हैं, और कुछ जो ऐसे होते हैं वो पॉजिटिव फोटोटेक्टिक होते हैं। जो नेगेटिव फोटोटेक्टिक होते हैं वो लाइट से अवे जाते हैं, और जो पॉजिटिव फोटोटेक्टिक होते हैं वो लाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास इस ऑसिलस जो है इसकी आँख का जो स्ट्रक्चर है इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर इस प्लेनेरिया के आई स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन आई स्पॉट्स को ऑसिलाई कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आई स्पॉट जो है एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये कप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कप लाइक होते हैं ये, अंदर यानी कि डिप्रेशन सा होता है, और उसके अंदर जो है पिगमेंट लगा होता है सारा, जिसकी वजह से ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, और ब्लैक कलर का पिगमेंट इसके अंदर होता है, और इसका जो हमारे पास जो आई स्पॉट है इससे हमें ऐसे नजर आता है कि इसके अंदर न्यूरॉन्स जो है इसके अंदर एंड हो रही हैं, और ये वो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि इस आई स्पॉट से निकल कर इसके जो सात मुंसलिक जो गैंग्लिया है उधर तक जा रही होती है। गैंग्लिया इसमें क्या है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो है ये गैंग्लिया है, और यहाँ से न्यूरॉन्स आई से निकल के जो न्यूरॉन्स होती हैं वो गैंग्लिया के साथ कनेक्ट हुई हुई होती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ये नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को। पहले पैराग्राफ में यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर फिशन होती है, बाइनरी फिशन होती है, और अब ये बाइनरी फिशन में कहाँ पर होती है कि जहाँ पर फेयरिंग्स होती है उसके पीछे यहाँ पर एक दबाव पड़ता है, कंस्ट्रिक्शन बनती है, और इसके बाद इस कंस्ट्रिक्शन के बाद जो एनिमल है उसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। उन दोनों हिस्सों को हम कहते हैं कि ये जोआइड्स हैं, और उसके थोड़ी ही देर बाद ये जोआइड्स अलग होने के थोड़ी देर बाद ये अपने जो इनका बॉडी पार्ट मिसिंग होता है उसको रिजेनरेट करते हैं। जैसे कि ये बॉडी पार्ट जो इधर से टूटेगा अपनी दुम को दोबारा से रिजेनरेट कर लेगा, और जो दुम का बॉडी पार्ट है वो रिजेनरेट कर लेगा और अपना सारा हेड का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बना लेगा। समटाइम्स क्या होता है कि दोनों जॉइंट जो है वो उनके दरमियान में वो एक दूसरे से अलहदा नहीं होते हैं, और उनके साथ ही उनके जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो रिजनरेट होते रहते हैं, और वो फिर भी दोनों जॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और जब काफी हद तक उनके जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो अटेन हो जाते हैं तो फिर वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फिर एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं। देन इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस पिक्चर में दिखाई हुई है, दे आर मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब है कि इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मौजूद हैं, और इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं ये इनकी मीजोडर्म से बनते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वो पेरेन्काइमा में मौजूद होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इसके अंदर बनाया गया है वो ब्लू कलर में बनाया हुआ है, और जो ऑरेंज कलर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नजर आ रहा है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर टेस्टिस हैं, ये भी एक टेस्टिस की लेबलिंग इन्होंने की हुई है, ये पेयर्ड टेस्टिस है, एक टेस्टिस ये और इसके बिल्कुल सामने एक टेस्टिस ये, यानी कि ये एक पेयर है टेस्टिस का, इस तरह फिर एक और टेस्टिस का पेयर ये है, फिर ये अगला टेस्टिस का पेयर है, तो इसका मतलब है इसके अंदर एक पेयर्ड टेस्टिस है और बहुत सारे पेयर टेस्टिस है इसके अंदर, और ये टेस्टिस जो होते हैं इन टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, और फिर स्पर्म जो होते हैं वो इस ट्यूब में चले जाते हैं, इस डक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, हर टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे और वो फिर बाद में इस ट्यूब में चलेंगे। इस ट्यूब का क्या नाम है, इसका नाम है स्पर्म डक्ट।
क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स आ जाते हैं, इसलिए इसको स्पर्म डक कहते हैं। इसका नाम है वॉस डेफरेंस। उसके बाद जी स्पर्म डक्स जो है इस साइड की भी सारी स्पर्म्स लेंगी और इस साइड की भी जो स्पर्म डक्स है वो टेस्टिस स्पर्म्स लेंगी, और उसके बाद सारे जो स्पर्म्स होंगे वो सेमिनल वेसिकल में चले जाएंगे। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के बाद में नेक्स्ट पोर्शन आता है पेनिस। पेनिस जो है इसका प्रोट्यूजिबल है, यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर भी ले जाता है और अपनी बॉडी से बाहर भी ले आता है। प्रोट्यूजिबल का मतलब होता है कि जो बाहर निकाला जा सके। उसके बाद जी ये पेनिस जो है प्रोजेक्ट करता है इनटू जेनिटल चैम्बर। नीचे जो एक चैम्बर है, ये जो हार्ट शेप का चैम्बर है, इसका नाम है जेनिटल चैम्बर, ये उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास जेनिटल चैम्बर जो होता है वो बॉडी से बाहर इसकी ओपनिंग होती है और उसका नाम है जेनिटल पोर। ठीक है, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यहाँ पर ओवरी, एक ये ओवरी है और एक ओवरी ये है, यानी कि ये एक एक पेयर ऑफ ओवरी है। इसके अंदर हमें, इस एनिमल की बॉडी में हमें एक पेयर ऑफ ओवरी नजर आ रही है, लेकिन कुछ एनिमल्स में बहुत ज्यादा ओवरीज के पेयर भी हो सकते हैं। उसके बाद ओवरीज जो होती हैं, इनमें एग्स बनते हैं, और इसके बाद एग जो है वो किधर चला जाता है, ओविडक्ट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जो एग जो है इसके अंदर मूव करता है, रास्ते में योग ग्लैंड आते हैं और ये योग ग्लैंड जो है वो योग एड करेंगे एग के ऊपर, और फाइनली जो इसका एग होगा वो किधर चला जाएगा, जेनिटल चैम्बर की तरफ, फिर जेनिटल चैम्बर से बाहर निकल आएगा बॉडी से बाहर थ्रू जेनिटल पोर्स। ठीक है ना। अब हमारे पास टर्बुलेरियंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो ये, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है क्योंकि इनके पास मेल और रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल दोनों तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, लेकिन इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती बल्कि इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इनका मेन तरीकाकार ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, यानी कि इनका, इनकी जिंदगी का रूल है कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसके नतीजे में ज़्यादा जो है वैरायटी पैदा होती है, ज़्यादा डाइवर्सिटी पैदा होती है देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उनके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होंगे वो इन्हीं की तरह के होंगे, अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो थोड़ी जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने का मेथड इनके अंदर किस तरह का होता है, रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है कि एक पार्टनर का पेनिस जो है वो दूसरे पार्टनर के कपुलेटरी सैक में डाला जाता है। यहाँ पर तो इसके अपर ही कपुलेटरी सैक में है, लेकिन ये अपना जो है पेनिस निकालेगा और वो दूसरे दूसरे एनिमल के कपुलेटरी सैक में डालेगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो होंगे वो उसके कपुलेटरी सैक पे चले जाएंगे, फिर वो कपुलेटरी सैक से स्पर्म्स होते हुए किधर चले जाएंगे, जेनिटल चैम्बर में, और फिर जेनिटल चैम्बर से स्पर्म्स होते हुए चले जाएंगे उसकी ओविडक्ट्स में, और फिर ओविडक्ट से वो जो स्पर्म है वो चले जाएंगे ओवरी में और वहां पर एग्स को फर्टिलाइज करेंगे, और फिर फर्टिलाइज्ड एग जो होगा उसके ऊपर योग ग्लैंड्स जो है वो योग उसके अंदर ऐड कर देंगे। या समटाइम्स क्या होता है कि जूजू एग जो है वो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जब गुजर रहा होता है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो तब योग ग्लैंड्स उसके अंदर योग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये वाले जो योक जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिनमें योक ऐड हो चुकी होती है, फिर वो जेनिटल चैम्बर में जाते हैं और फिर जेनिटल चैम्बर से जेनिटल पोर के जरिए से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब एग बाहर ले किया जाता है तो समटाइम्स एग के ऊपर जेल होती है, कुछ स्पीशी के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर जेली लाइक मटीरियल होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिनके ऊपर जेल लाइक मैस नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो इसका एग होता है उसके इर्द गिर्द एक हार्ड किस्म का कैप्सूल होता है, जिस तरह हमारे जो हेन का जो एग होता है उसके ऊपर एक शेल होता है ना, जिसको तोड़ते हैं हम अंडा बनाने के लिए, तो इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसे हम कहते हैं कुकून, और उस का जो कुकून होता है उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, एक एग नहीं होता बल्कि बहुत सारे एग्स होते हैं। ठीक है, जब कुकून ले निकल जाता है इसकी बॉडी से बाहर, वो बाद में एक स्टॉक उस अपने अंदर से स्टॉक सेक्रेट करता है या स्टॉक के ऊपर लगी हुई होती है, उसके जरिए से वो किसी भी सरफेस के साथ चिपक जाएगा, यानी किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, और एक कैप्सूल के अंदर चूंकि बहुत सारे एग्स होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज भी होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कैप्सूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब एक है समर कैप्सूल्स, और समर कैप्सूल जो होते हैं ना वो गर्मियों में बॉडी से निकाले जाएंगे, और उनकी हैचिंग कब होगी, यानी कि वो कब हैच होंगे, वो 2 से 3 हफ्ते बाद हैच होंगे, और उनसे जो एनिमल निकलेगा वो छोटा सा साइज का होगा, इमेच्योर एनिमल होगा,
और जो ऑटम कैप्सूल्स होते हैं उनके इर्द गिर्द एक बड़ी मोटी सी वॉल होती है, और वो पूरी सर्दियां जो है वो हैच नहीं करते, क्योंकि वो सर्दियों में फ्रीजिंग और ड्राइंग को बर्दाश्त करते हैं, और जब ओवर विंटर हो जाएगी यानी कि सर्दियां गुजर जाएंगी तो उसके बाद वो हैच करते हैं। उसके बाद टर्बलेरियंस की डिवेलपमेंट को डिस्कस किया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर आपने डिवेलपमेंट की हेडिंग डाल देनी है। डिवेलपमेंट जो होती है इनके अंदर डायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है, यानी कि इनके अंदर सीधे सीधे चेंजेस तब्दीलियाँ आती हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो अडल्ट में चेंज होता है। लेकिन कुछ टर्बलेरियंस ऐसे हैं जिनके अंदर एक लार्वा होता है जिसका नाम है म्यूलर्स लार्वा, और म्यूलर लार्वा जो होता है इसके ऊपर सीलिया होते हैं, सीलिया की एक्सटेंशन होती हैं जिससे वो फूड फीडिंग करता है और लोकोमोशन करता है, और फाइनली जब लार्वा ने अडल्ट में चेंज होना होता है तो वो क्या करता है कि वो सेटल कर जाता है किसी भी सबस्ट्रेट पे, और उसके बाद वो ग्रो करके यंग टर्बलेरियन में चेंज हो जाता है। म्यूलर लार्वा की पिक्चर जो है वो मैंने आपके लिए रखी है, यहाँ पर आप देखें इस पिक्चर में, ये म्यूलर लार्वा की पिक्चर है और इसके पास सीलिएटेड एक्सटेंशन है, ये सीलिया इसके ऊपर, और इन सीलिया से ये लोकोमोशन करेगा और फीडिंग करेगा, और कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद में ये सबस्ट्रेट के साथ सेटल होके बाद में ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास टर्बुलेरिया।